तो स्टार्ट करते हैं। जो हम टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं दैट विल बी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी बोथ द एग्जामिनेशन, इनफैक्ट ऑल द थ्री एग्जामिनेशन, सीडीएससी, एफकैट एंड एनडीए, राइट। सो ज्योग्राफी का टॉपिक है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर ज्योग्राफी के शुरुआत से आपने शुरू क्यों नहीं की, जो हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो शुरुआत हम लोग करते हैं इंडिया इट्स साइज एंड लोकेशन से, राइट, और उसके बाद फिजियोग्राफिक डिविजन, और तीसरे नंबर पे आता है ड्रेनेज सिस्टम। तो उसका क्या रीजन है मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमने इस टॉपिक से शुरुआत की है, राइट। सो चलिए वी विल स्टार्ट द टॉपिक। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूं कि हाउ द थिंग्स गो, किस तरीके से आपको यहाँ पे एग्जाम के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स, अगर आप लोगों को ना पता हो तो जैसे जीएस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वी हैव 120 क्वेश्चंस, राइट। जीएस में हमारे पास 120 क्वेश्चंस होते हैं। पहला टॉपिक है, इनफैक्ट पहली क्लास है हमारी, और पहली क्लास में बिना कुछ पढ़ाए मैं सबसे पहले आपको ये जो एक स्टैटिस्टिक्स है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसका रीजन ये है क्योंकि ये अगर आप समझ जाएंगे तो आगे वाली जो प्रिपरेशन है, आगे के 3 महीने या 4 महीने की जो प्रिपरेशन है आपकी, वो बहुत ही पिन पॉइंटेड रहने वाली है, अदरवाइज हम फिर यूनि डायरेक्शनल नहीं हो पाएंगे। तो देर आर 120 क्वेश्चन, ये सबको पता है, 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जिसमें कि अगर आप स्मार्टली प्ले करें, वैसे तो आपके पास सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, सब्जेक्ट्स आपके पास ज्योग्राफी है, राइट, यू हैव ज्योग्राफी, यू हैव सिविक्स, हिस्ट्री, इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर ऑडियो में या वीडियो में तो आप लोग चैट में बता सकते हैं, मैं एक बार देख लूंगा तो वी विल रिजॉल्व इट, राइट। इसके अलावा हमारे पास करंट अफेयर्स है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इकोनॉमिक्स है, राइट, देन जनरल साइंस है, जनरल साइंस है, और फिर बाकी के आप टॉपिक्स को आप मिसलेनियस में डाल दो, राइट, ठीक है, बाकी के टॉपिक्स को आप मिसलेनियस में डाल दो। अगर आप इन टॉपिक्स को देखेंगे ध्यान से तो इसमें से ऑन एन एवरेज ज्योग्राफी में कोई फिक्स नहीं होता है कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बट आप ऐसा मान सकते हैं कि 15 से कम क्वेश्चन नहीं होते, अमूमन 15 से कम क्वेश्चंस नहीं होते हैं, और हाईएस्ट नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 20, 21, 22 तक भी जा सकते हैं। तो आप, मैं एक एवरेज लगा के दे रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। मान लेते हैं कि लेट्स से कि 17 to 18 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी से आते हैं, राइट, आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस। सिविक्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, मतलब 16 से 18 क्वेश्चन सिविक्स में भी होते हैं, कभी एक दो क्वेश्चन कम हो सकते हैं, कभी एक दो क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री थोड़ा सा कम होता है, कभी कभार ज्यादा भी हो जाता है, बट वैसे नॉर्मली देखा जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स की हम बात करें तो इसके भी लगभग लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। देन इकोनॉमिक्स अगेन अंडर 10, जनरल साइंस एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, इसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन, कभी 27, 28 भी होते हैं, कभी 32, 33 भी हो जाते हैं, बट ऑन एन एवरेज आप 30 क्वेश्चन मान सकते हैं, और बाकी के लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन मिसलेनियस में। जो आप स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे आप उसमें अवार्ड्स की बात करें, बुक्स की बात करें, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो अब यहां से आप सोचो कि आपके पास पहले से पता होता है आपको कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, आप 3 सब्जेक्ट्स या 4 सब्जेक्ट्स अपने मनपसंद आप चूज कर लो, और उन 4 सब्जेक्ट्स को आपने शुरू से पिन पॉइंटेड तरीके से अगर पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आपका सिलेक्शन तय है, राइट, आपका सिलेक्शन तय है। कोई भी 3 से 4 सब्जेक्ट जो हाईएस्ट स्कोरिंग है, जिसमें आप अच्छा कर सकते हो या कर रहे हो ऑलरेडी, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से देखूं तो इफ यू चूज दीज 3 सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड लेट्स से कि जनरल साइंस, तो ऑल टुगेदर यहां से आपको ऑलमोस्ट बेयर मिनिमम 55 के आसपास क्वेश्चंस और मैक्सिमम 70 तक क्वेश्चंस जा सकते हैं, 65 तक क्वेश्चन जा सकते हैं, ठीक है। तो इन 3 सब्जेक्ट से आपके पास 55 से लेकर के 65 क्वेश्चंस आ रहे हैं मोर और लेस, राइट। और ऐसा तो है नहीं कि बाकी के सब्जेक्ट्स में आप बिल्कुल ही कुछ नहीं करके जाओगे, चाहे वो इकोनॉमी हो या फिर हिस्ट्री हो या फिर करंट अफेयर्स हो, राइट। तो जो एक मिथ होता है हमेशा कि हम हमेशा से ये मान के चलते हैं कि नहीं यार जीएस बहुत कठिन है, बहुत सारी इस तरीके की चीजें एक एक मार्केट में घूम रही होती हैं, तो नो डाउट आपको एक बेयर मिनिमम जो लेवल ऑफ एफर्ट है वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा, वो आपको हमेशा लगाना पड़ेगा, लेकिन ये मिथ जो है, और इसके चक्कर में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। अभी भी आपका रिजल्ट आया होगा, आपने देखा होगा, एनालाइज किया होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पे फेल हो जाते हैं, जिनको ये पता नहीं होता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, एंड दे गेट डिस्ट्रैक्टेड, राइट।
दे गेट डिस्ट्रैक्टेड. सो हमें बहुत ही प्लान तरीके से हम शुरुआत से पढ़ेंगे. एक एक तो हमें पढ़ना अच्छा है. यहाँ पे दो चीजें हैं एग्जाम निकालने के लिए. मैं पहले से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि कोई भी एग्जाम, सिर्फ सीरियस एनडी एफकैट की बात नहीं है, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए दो चीजों की जरूरत होती है. एक तो आपका जो एकेडमिक वेलबींग है, जो एकेडमिक स्ट्रेंथ है आपकी, वो आपको चाहिए होगी. अगर आप ये सोचो कि मैं पूजा पाठ करके और मैं एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जा करके और बिना कुछ पढ़े जाऊंगा तब भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है. तो पहला तो आपको एकेडमिकली अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी टू बी प्रिसाइज, राइट. दूसरा आपका माइंडसेट, चाहे उसको आप सबकॉन्शियस माइंड की के थॉट प्रोसेस के फॉर्म में आप देखो, चाहे जो भी उसको आप बोलो, आपका माइंडसेट कैसा है, आप किस तरीके से एग्जाम को देखते हो. अगर आप सोचोगे कि आपका नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर आप सोचते हो कि आपका हो जाएगा तो हो जाएगा, एंड इट रियली वर्क, राइट. सो इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो शुरुआत हम लोग ज्योग्राफी से करने वाले हैं, क्योंकि उसका एक रीजन ये है कि ज्योग्राफी से 17-18 क्वेश्चन आते हैं, राइट, मोर देन 15 क्वेश्चन आते हैं. तो ऑब्वियसली 1/6 ऑफ द पेपर ऑलमोस्ट ज्योग्राफी कवर करता है, विच इज लाइक क्वाइट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेटेज, राइट. तो इसलिए हम इस सब्जेक्ट से शुरू करने वाले हैं, पहला चीज. दूसरा चीज मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है. तो चलो शुरुआत हम लोग करते हैं यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम से, ठीक है. विल स्टार्ट विथ ड्रेनेज सिस्टम. नाउ व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम? ड्रेनेज सिस्टम से हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है. ड्रेनेज क्या होता है? हम लोग बात करते हैं अपने अपने घरों में या कॉलोनीज में, या फिर हम अपने आसपास के इलाकों में बोलते हैं कि ड्रेनेज यहाँ का अच्छा है, या फिर इस जगह का ड्रेनेज खराब है, बेकार है, अच्छा नहीं है. तो व्हाट डज दैट मीन? कोई भी एक रिवर सिस्टम होता है, वो एक चैनल बनाता है, राइट. कोई भी एक रिवर होती है या रिवर सिस्टम होता है, वो एक चैनल बनाता है, राइट. तो जहां जहां उसका ड्रेनेज होता है, जहां जहां वो ड्रेन करती है, जहां जहां जिस जिस इलाके को वो ड्रेन करती है, या फिर उसका प्रभाव रहता है, उसके वाटर का प्रभाव रहता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उस पूरे इलाके को, उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, राइट. तो जैसे हम बात करेंगे अगर इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम की, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम में हम मेनली रिवर्स को ही काउंट करते हैं, इसके अलावा वाटर के और भी सोर्सेस है, वेल्स भी होते हैं, ट्यूबवेल्स भी होते हैं, एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर, बट जो फ्लोइंग वाटर है वो आपको रिवर से ही मेनली मिलता है, राइट. बाकी लेक सो पॉन्ड्स हो, वो सब स्टेशनरी वाटर के सोर्सेस है. तो लेट अस से कि एक एक हमारे पास एक रिवर है या सोर्स ऑफ वाटर है जो कि इस पॉइंट से निकलता है, राइट. इस वाले पॉइंट से वो निकल रहा है और यहां से निकल करके और इस तरीके से आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है. और फाइनली यहाँ पे कोई बॉडी, वाटर बॉडी है, और यहाँ पे जाकर के वो एंड हो जा रहा है. यहां से ओरिजिन हुआ, यहाँ पे उसका माउथ हुआ. तो बीच में क्या होता है कि इस पूरे जर्नी में उसके पास मल्टीपल रिवर्स होती हैं जो कि आकर के उससे मिलती हैं. कई बार ये रिवर खुद जाकर के आगे बाइफरकेट हो जाती है, राइट. तो कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, और ये सब मिला करके इसमें छोटी छोटी नदियां, कुछ नदियां इनसे जुड़ेंगी, कुछ इनसे जुड़ेंगी, और फिर ये फाइनली जुड़ करके मिल करके और एक पूरा सिस्टम बनाती है. तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम कोई भी एक रिवर बनाती है, इसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, राइट. अब ड्रेनेज सिस्टम एक इंडिविजुअल रिवर का भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ रिवर्स का भी हो सकता है, पूरे देश का ड्रेनेज सिस्टम भी हो सकता है. तो जब हम देश के ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, यानी कि पूरे इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें इंडिया की जितनी भी मेजर रिवर्स हैं उन सबको हम काउंट करते हैं. वो कहाँ पे लाई करती हैं, उनकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनकी कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, उन सबका जो तंत्र है, जो सिस्टम है, उस सबको मिलाकर के हमने क्या बोला, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है. फिर अब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया जो है वो एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, राइट. क्योंकि उसमें मल्टीपल रिवर्स हैं. इंडिया में अगर आप छोटी बड़ी सारी रिवर्स मिला लें तो 400 से ज्यादा रिवर्स हैं, ठीक है. हमारे देश में मोर देन 400 रिवर्स हैं, छोटी बड़ी सब मिला करके. अगर आप मेजर रिवर्स की बात करें, बड़ी रिवर्स, तो मतलब 13-14 बड़ी रिवर्स हैं, लॉन्ग रिवर्स. अगर आप मीडियोकर रिवर्स की बात करें तो लगभग 40+ मीडियोकर रिवर्स हैं, और छोटी मोटी सब मिला के 400 के आसपास है. तो इन सबको मिला करके हमारे देश का ड्रेनेज सिस्टम बनता है. अब इस ड्रेनेज सिस्टम को भी हमने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, जिससे कि हमारा जो पढ़ने का काम है या फिर समझने का काम है, उनको बाइफरकेट करने का काम है, वो ज्यादा आसान हो जाए, ठीक है. जैसे एक हमने इंदस रिवर सिस्टम कर दिया, एक हम ब्रह्मपुत्र कर दिया, या फिर हमने गंगा रिवर सिस्टम कर दिया. तो फिर हम उस रिवर से जुड़ी हुई जितनी भी ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज है, सिर्फ इन्हीं को पढ़ते हैं. तो उसमें हमने एक तरीके से कन्फाइन कर दिया एक सेट ऑफ रिवर्स को एक रिवर सिस्टम के अंदर, राइट. तो इस तरीके से हमारे पास ये होता है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का, ठीक है. दिस इज द ड्रेनेज सिस्टम.
एक्चुअल में शुरुआत में जो थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा विलंब हुआ, 2-4 मिनट 5 मिनट का, सो व्हाई डिड इट हैपन, आई हैड अ मैप राइट, सो वो मेरे ख्याल से आज प्रेजेंट हो नहीं पाया, आई वुड लाइक टू चेक इन बिटवीन, जब आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा 5 मिनट का, कि अगर वो मैप में प्रेजेंट कर पाऊँ तो प्रॉपरली फिर आपको बहुत सारी चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, अदरवाइज मैं उसको फिर कल प्रेजेंट करूंगा, देर वॉज सम इशू इन द पेन ड्राइव राइट, सो इट वॉज नॉट वर्किंग एट ऑल। सो ये क्लियर है यहाँ तक, सिस्टमेटिक मैनर टू मेक फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, पार्शली यू आर करेक्ट राइट, सो सिस्टमेटिक मैनर टू क्रिएट द फ्लो ऑफ वाटर राइट, ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन, किसी भी एक जो कोई भी एक रिवर जिस इलाके में कोई भी रिवर अपने वाटर से और अपने ट्रिब्यूटरीज की वाटर से अपना प्रभाव डालती है राइट, या फिर उस जगह को ड्रेन करती है, उस जगह के वाटर के रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, उसको बोलते हैं उस रिवर का ड्रेनेज बेसिन राइट। तो कोई भी रिवर अगर जा रही है, तो उस जैसे सपोज करते हैं कि एक रिवर ये जा रही है, तो इसके चारों तरफ एक एरिया होगा जहां तक इस अकेली रिवर का, जो आपको पर्पल कलर से दिख रही है, इसका एक प्रभाव होगा, तो उसको हम बोलते हैं कि इस रिवर का वो ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेनेज बेसिन राइट। अब अगर हम पूरे इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को देखें, अच्छा अब इसमें जो जो ड्रेन सिस्टम है या बेसिन है, इसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है कॉनकॉर्डेंट और एक होता है डिसकॉर्डेंट राइट। सो हाउ कैन वी डिवाइड द ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेन बेसिन ऑफ आर कंट्री, सो इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स राइट, ठीक है, या ड्रेनेज पैटर्न जो है वो हमारा दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ड्रेनेज पैटर्न राइट। ड्रेनेज पैटर्न दो टाइप का होता है अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो, एंड हाउ इट इज, फर्स्ट वन इज डिस्कॉर्डेंट एंड द सेकेंड वन इज कॉनकॉर्डेंट राइट, सो डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न एंड कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न। अब डिस्कॉर्डेंट और समवन हैज रिटन समथिंग, ड्रेनेज बेसिन एज इन इज एन एरिया ऑफ लैंड वेयर वाटर फ्रॉम रेन और स्नो मेल्ट डाउन डाउनहिल इनटू अ बॉडी ऑफ वाटर सच एज रिवर लेक वेटलैंड। हाँ एग्जैक्टली, मतलब उस पर्टिकुलर रिवर या फिर उस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ वाटर पे जहां जहां से वाटर आता है, जहां से वो उसका प्रभाव होता है, जहां पे उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, उन सबको मिलाकर के हम बोलते हैं उसका ड्रेनेज बेसिन, ठीक है, उसका ड्रेनेज बेसिन राइट। जैसे क्या होता है, इसको थोड़ा सा और मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊं, जैसे लेट अस से कि हमारे पास एक एक रिवर का फिर से हम एग्जांपल लेते हैं, एक रिवर है ऐसे फ्लो करती है, ठीक है, यहां से स्टार्ट होती है इस जगह से और यहाँ पे जाकर के, यहाँ पे कोई बड़ी वाटर बॉडी है इधर और यहाँ पे एंड हो जाती है। अब एक तो हुआ कि इस रिवर में जो पानी जा रहा है, तो ये रिवर जो होगी इसकी विड्थ वो लिमिटेड होगी, 100 मीटर होगी, 200 मीटर होगी, 300 मीटर होगी, 500 मीटर होगी राइट, तो अपनी विड्थ के हिसाब से आगे की तरफ जा रही है, लेंथ होगी 1,000, 500, 1,500, 2,000 किलोमीटर राइट। अब क्या होता है कि ये रिवर अकेले ये रिवर नहीं बना रही है, इसके साथ एक इधर से एक और रिवर आएगी जिसको हम बोलेंगे इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है राइट। अच्छा इस ट्रिब्यूटरी का पानी भी इसके अंदर आएगा, इस ट्रिब्यूटरी में पानी कहां से आएगा, इसके अंदर एक छोटी सी और रिवर मिलेगी, इस छोटी रिवर में पानी कहां से आएगा, इसके अंदर एक छोटा सा नाला मिलेगा, ठीक है, नाले में पानी कहां से आएगा, उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे खेत होंगे ठीक है, और या फिर कोई कोई हिली एरिया होगा ठीक है, वहां से पानी बह बह के नाले में आएगा, फिर नाले से छोटी रिवर, छोटी रिवर से मीडियम रिवर, फिर मीडियम रिवर से बड़ी रिवर, तो ये पूरा एक तंत्र बन रहा है ठीक है, ये पूरा एक तंत्र बन रहा है। अगर आप डायरेक्टली देखें तो जो नाले का पानी है या फिर ये जो खेतों का पानी है, उसका अगर मानते हैं कि ये गंगा रिवर है, तो खेत के पानी और गंगा रिवर का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये खेत का पानी जो है ये गंगा रिवर बेसिन का ही पार्ट है राइट, मतलब एक आप ये मान सकते हैं कि उसका बेसिन वहां तक जाता है ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी मीन बाय बेसिन, किसी भी एक रिवर का बेसिन राइट, ठीक है, सो टू टाइप्स ऑफ पैटर्न्स आर देयर, ठीक है, जिसने भी यहाँ पे बोला था सही बोला है राइट। चलो तो दो टाइप के पैटर्न्स है, डिस्कॉर्डेंट एंड कॉनकॉर्डेंट, ठीक है। अब डिस्कॉर्डेंट एंड कॉनकॉर्डेंट का मतलब क्या हुआ, डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न का मतलब ये होता है कि जो रिवर्स होती है वो अपना पाथ अपने पूरे के पूरे लेंथ के अलोंग चेंज नहीं करती है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो डिस्कॉर्डेंट रिवर्स होती है, जो डिस्कॉर्डेंट पैटर्न फॉलो करने वाली रिवर्स होती है, वो अपने पाथ को अपने पूरे के पूरे लेंथ के अलोंग चेंज नहीं करती हैं, बार बार उनमें चेंजेस नहीं आती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंदस या फिर गंगा रिवर सिस्टम राइट।
द पाथ ऑफ रिवर डज नॉट चेंज अलोंग इट्स लेंथ राइट। तो उसको बोलते हैं डिस्कॉर्डेंट पैटर्न। और कॉन्कॉर्डेंट पैटर्न का मतलब क्या हुआ, जो पाथ ऑफ रिवर है वो चेंज हो जाएगा। द पाथ ऑफ रिवर कीप्स चेंजिंग फ्रीक्वेंटली along its length, right? अब जैसे discordant और concordant के example क्या हैं? इंदस या जो गंगा रिवर सिस्टम है, अगर इनकी मेजर रिवर्स की आप बात करें तो इनके पास जैसे गंगा रिवर है राइट, तो गंगा रिवर का पाथ बार बार चेंज नहीं होता है। गंगा रिवर जहां से जा रही है लगभग ऑलमोस्ट वहीं से जा रही है सालों साल से। ऐसा नहीं कि आज अगर कानपुर के उत्तरी छोर से गंगा जा रही है तो आज से 100 साल बाद उसके दक्षिणी छोर से गंगा जाने लगेगी, ऐसा नहीं है। या फिर कानपुर शहर को बिल्कुल ही छोड़ देगी और कहीं से जाने लगेगी, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ड्रेनेज पैटर्न को हम बोलते हैं डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न। अदरवाइज अगर हुआ तो वो कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न होता है। जो हिमालयन रिवर्स होती है वो मोस्टली इसी ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करती है डिस्कॉर्डेंट को, यानी कि वहां पे पाथ में कोई चेंज नहीं होता। उसके रीजन कई सारे होते हैं। एक तो ये होता है कि वो ऊपर के हिली रीजन से आ रही होती है, हाइट होती है, वहां से नीचे की तरफ आती है तो बहुत ज्यादा स्पीड होती है जिसकी वजह से वो अपने पाथवे को मेंटेन करती है। सेकेंड एक रीजन ये होता है कि दीज आर पेरिनियल राइट। जो हिमालयन रिवर्स होती है उनमें पानी 12 महीने 24 घंटे 365 दिन रहता है। गर्मियों के सीजन में थोड़ा कम रहता है, बारिश के सीजन में बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन सूखती नहीं है वो, या पानी एकदम से कम नहीं हो जाता है, तो जिसकी वजह से पाथवे उनका मेंटेन रहता है। जबकि जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे तो वो क्या होती है, वो दे आर नॉन पेरेनियल राइट, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर सीजनल राइट। और इवन इफ दे आर नॉट कंप्लीटली सीजनल, दे आर पार्शियली सीजनल, यानी कि जो गर्मियों का सीजन आता है उसमें पानी की मात्रा सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है राइट। प्लस उनका जो टेरेन है, जब हम हिमालयन रिवर्स की बात करते हैं तो ये मोस्टली फ्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स रीजन राइट, वो नॉर्दर्न प्लेन में ज्यादातर फ्लो करती है। जबकि जो नीचे वाली पार्ट है, नीचे वाली नदियां हैं, वो प्लेट्यू वाले रीजन में, पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले रीजन में फ्लो करती है। तो इस वजह से वहां पे ये पैटर्न आपको देखने को मिलता है, द कॉन्कॉर्डेंट वन राइट। तो ये इस तरीके से है ठीक है। डिस्कॉर्डेंट जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है इंदस, ब्रह्मपुत्र राइट। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं गोदावरी, कावेरी एक्सेट्रा, जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स है ठीक है। तो ये दो टाइप के ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, डिस्कॉर्डेंट एंड कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न राइट। यहां तक क्लियर है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब जो इंडियन रिवर सिस्टम है, जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है, इसको बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं राइट। सो जो हमारा इंडियन रिवर सिस्टम या इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइडेड है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हम अपने थोड़ा सहूलियत के लिए हमने दो पार्ट में उसको डिवाइड कर लिया। जो इसमें से जो हमारा पहला पार्ट है, वो है हिमालयन रिवर्स का, और दूसरा पार्ट है पेनिनसुलर रिवर्स का। द फर्स्ट वन इज हिमालयन रिवर्स, द सेकेंड वन इज पेनिनसुलर रिवर्स राइट। सो हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स, वी हैव हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स ठीक है। बहुत आसान है, हिमालयन रिवर्स वो रिवर्स जो कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस से ओरिजिनेट होती है, फ्लो भले नीचे आके नॉर्दर्न प्लेन्स में या फिर इवन सम ऑफ देम एक्सटेंड अप टू थार डेजर्ट या फिर कुछ उनमें से फिर हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए चली जाती है, मोस्टली नॉर्दर्न प्लेन्स में फ्लो करती है। तो हिमालयन रिवर्स जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होती है, और पेनिनसुलर रिवर्स जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, मोस्टली नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्टली दे ओरिजिनेट फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेट्यू और रीजन वेरी नियर टू पेनिनसुलर प्लेट्यू राइट। सो इसको हम बोलते हैं, दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, पहला पार्ट है हिमालयन रिवर्स, दूसरा पार्ट है हमारे पास पेनिनसुलर रिवर्स राइट।
अब हिमालयन रिवर्स को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, हमने हिमालयन रिवर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, इनफैक्ट तीन पार्ट में डिवाइड किया है। वो कैसा है ये भी हम लोग देख लेते हैं। हिमालयन रिवर्स को हमने तीन डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है। इसमें से पहला सेक्शन है इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम। फिर दूसरा सेक्शन है गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। और तीसरा पार्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स को एज सच हमने डिवाइड नहीं किया है। छोटे मोटे डिविजन हैं, ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग इस तरीके से, लेकिन बड़े डिविजन नहीं है। जो बड़े डिविजन है वो यहाँ पे आपको हिमालयन रिवर्स में देखने को मिलेंगे। कैसे कैसे? पहला है इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम, तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ओवरऑल पूरे हिमालयन माउंटेन रेंजेस से मल्टीपल मतलब सैकड़ों नदियां निकलती है छोटी मोटी सब मिला करके, राइट। बड़ी नदियों की भी आप बात करेंगे तो 20-25 लगभग बड़ी नदियां निकलती हैं, ठीक है, बड़ी और मीडियम मिला करके। तो उनको हमने, उन बड़ी नदियों को या मीडियम नदियों को हमने तीन डिफरेंट रिवर सिस्टम में डिवाइड कर दिया है। एक वो रिवर्स जो इंडस का पार्ट है, इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं, और इंडस के जिस डायरेक्शन में इंडस फ्लो करती है उधर जाकर के कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडस में जाकर के मिल जाती है, वो इंडस रिवर सिस्टम को बनाती है। वो रिवर्स जो गंगा या फिर गंगा की ट्रिब्यूटरीज में जाकर के मिल जाती है उनको हम लोग बोलते हैं गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट। और वो रिवर्स जो ब्रह्मपुत्र या फिर ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज में जाकर के मिल जाती है उनको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का पार्ट। ठीक है, सो तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। पेनिनसुलर रिवर्स जो हमारी नीचे की नदियां हैं यानी कि प्लेट्यू वाले रीजन की, इनको हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। अब इंडस रिवर सिस्टम में मेनली 6 रिवर्स हैं, गंगा रिवर सिस्टम में इससे ज्यादा रिवर्स हैं, सेम गोज विद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, राइट। तो इनको भी हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। एक बार यहां तक आप लोग थोड़ा सा चैट में आ जाओ इफ द थिंग्स आर क्लियर और नॉट, और फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, चलो। सो तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। अब इसमें से पहला जो पार्ट है हमारा दैट इज इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। हिमालयन रिवर्स में से तीन रिवर सिस्टम्स हैं, उनमें से पहला पार्ट है हमारा इंडस रिवर सिस्टम जिसको कि हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इंडस रिवर सिस्टम, राइट। अच्छा, अब इसमें से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, एफकैट हो, और बहुत सारे सवाल ऐसे भी होते हैं, कई बार ड्रेनेज सिस्टम से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता है लेकिन इनडायरेक्ट मिलता है। यूपीएससी की और सीडीएस की खास बात यही है कि अगर आप ये सोचो कि मैंने गंगा रिवर सिस्टम को पूरा पढ़ लिया अब तो इससे कोई भी सवाल आएगा तो मैं कर ही लूंगा, तो ये आपकी बेवकूफी होगी। हमेशा यूपीएससी नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको मल्टीपल टॉपिक्स का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म में आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आपने सोचा कि मैं ऊपर ऊपर से पढ़ के जाऊंगा और क्वेश्चन हो जाएगा, तो कई बार हो जाता है लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा फंसाने वाले होते हैं, हमेशा ऐसे होते हैं कि आपको या तो आपको ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होंगे, या तो एक ही क्वेश्चन को जैसे वो मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन होगा, या मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, या फिर दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को मर्ज कर दिया जाएगा उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे भी बन सकते हैं, राइट। तो अब इसमें से सबसे जो पहला है दैट इज इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम में से 6 अलग अलग नदियां हैं जिसमें कि सेंट्रल नदी है इंडस, राइट। इसमें से सेंट्रल नदी है हमारे पास इंडस, और उसके इर्द गिर्द 6 अलग अलग नदियां हैं, इनफैक्ट 5 अलग अलग नदियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी नदियां हैं? चेनाब है जो कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, देन चेनाब के बाद सतलज है, राइट, देन सतलज के बाद रावी है, देन बीस है, झेलम है, ठीक है। तो 5 अलग अलग नदियां हैं, झेलम, बीस, रावी, चेनाब और सतलज, मेजर, ठीक है,
जो कि इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट बनती है। इंडस को मिला के 6 नदियां हैं, 6 बड़ी नदियां हैं, राइट। इसके अलावा छोटी छोटी और भी नदियां हैं जो कि चारों तरफ से मिलकर के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज या ट्रिब्यूटरीज बनाती है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटरीज बट ट्रिब्यूटरीज बनाती है। तो वो है, उनके बारे में भी हम देखेंगे जब हम इंडिविजुअल नदियों को यहाँ पे देखेंगे। तो ये 6 नदियां मिला करके इंडस, रावी, चिनाब, बीस, सतलज और झीला, ये 6 नदियां बना करके इंडस रिवर सिस्टम को फॉर्म करती है, जिसमें सेंट्रल नदी है इंडस। इंडस कहां से निकलती है? इंडस निकलती है मानसरोवर लेक विच इज सिचुएटेड इन, इंडस कहां से निकलती है, इसमें से पहली जो रिवर है दैट इज इंडस, राइट। द फर्स्ट रिवर इज इंडस। इंडस का जो ओरिजिन है, ओरिजिन दैट इज मानसरोवर लेक इन तिब्बत। तिब्बत चाइना का पार्ट है या फिर नहीं है? कितने लोग मानते हैं कि तिब्बत इज द पार्ट ऑफ चाइना और कितने लोग नहीं मानते हैं? तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना और नॉट? चाइना क्लेम्स दैट तिब्बत इज इट्स टेरिटरी। क्लेम करता है या नहीं है? क्लेम तो करता है तिब्बत टेरिटरी, ऑल्दो इट्स नॉट। अच्छा ठीक है, तो तिब्बत इसका मतलब कि इंडिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। हाँ, तिब्बत के साथ ये है कि तिब्बत कहता है कि हम ऑटोनोमस हैं, हमारा अपना संविधान है, हमारा अपने हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। और चाइना कहता है कि नहीं, जस्ट एज आई वाज डिपेंडिंग, जो है तिब्बत कुड नॉट डू इट एग्जैक्टली। इनफैक्ट हमारे साथ भी तिब्बत का एक पुराना वो है कि व्हेन यू नो इन द अर्लियर डेज, जब हम शुरुआत में हमारी इंडिपेंडेंट हुई थी, तो हमें भी एक मौका मिला था जिस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वी गॉट अ चांस कि वी कैन यू नो नॉट एनेक्स आई वुड से चाइना, बट हाँ वहाँ पे हमारे पास एक ये चांस था कि हम सॉरी तिब्बत एनेक्स करने का नहीं, बट तिब्बत खुद से मिलना चाहता था, या हम अगर चाहते उस समय, बिकॉज चाइना का जो नेचर है, बाई नेचर चाइना इज लाइक अ काइंड ऑफ एग्रेसिव इन नेचर, राइट। और एग्रेसिव से ज्यादा हम बोल सकते हैं कि एक्सपांशनिस्ट इन नेचर, वो सारी की सारी अपने आसपास की कंट्रियों को अपने साथ मिलाना चाहता है, या फिर उनके कुछ लैंड के पार्ट को अपने साथ मिलाना चाहता है। इसके उल्टे इंडिया का हमेशा से जो मतलब एक रुख रहा है, उदारवादी रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने बांग्लादेश को लिबरेट कराया था 1971 में। अगर हम बांग्लादेश को लिबरेट करा के एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा दे सकते हैं या दिला सकते हैं, तो हम बांग्लादेश को हथिया भी सकते थे। चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, इधर वेस्ट बंगाल है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, तो सारी सारे स्टेट्स, और नीचे की तरफ क्या है, खुला है, कोई कंट्री नहीं है, बे ऑफ बंगाल है, राइट। तो हमारे पास ये मौका था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तो अनलाइक चाइना हमेशा इसी फिराक में रहता है कि ऐसा कुछ भी हो जाए। तो उस टाइम भी इंडिया के पास मौका था जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे, लेकिन इंडिया ने ऐसा किया नहीं। तो फिलहाल तिब्बत जो है दैट इज वो चाइना का ही पार्ट, उसको आप मानो वो ऑटोनोमस बॉडी अपने आप को क्लेम करता है, बट इट इज अल्टीमेटली यू नो गवर्नड बाय चाइना ओनली, राइट। हाँ एग्जैक्टली सेम है, तिब्बत इज अनेक्स्ड बाय चाइना बट इट सेज इट इज इंडिपेंडेंट। तो वो अपना एक अलग ऑटोनोमस बॉडी लेकर के बैठे हुए। सो इसका ओरिजिन जो है दैट इज मानसरोवर लेक इन तिब्बत, राइट। यहां से दो और नदियां निकलती हैं, उनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो इसका ओरिजिन हो गया, और इसके बाद अगर हम इसके माउथ की बात करें, माउथ का मतलब इसका एंड कहां पे हो रहा है, तो इसका एंड कहां पे है, इसका एंड है अरेबियन सी में, इसका एंड है अरेबियन सी में, राइट। सो बेसिकली इंडस रिवर तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर लेक से निकलती है, निकल करके यहां से निकलती है, निकल करके ऊपर की तरफ फ्लो करती है, राइट। फिर उसके बाद एंटर करती है इंडिया में वाया ले, उसके बाद ये जाती है ऊपर से, फिर पीओके होते हुए फिर वो वापिस आ जाती है पाकिस्तान में, और फिर फाइनली जाकर के अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है किसका, इंडस का। कल हम ये सारे स्ट्रक्चर्स को प्रॉपरली मैप के साथ पढ़ेंगे, आज कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था जिसकी वजह से मैं मैप शो नहीं कर पाया, तो डोंट वरी अबाउट दैट, कल से हम प्रॉपरली मैप के साथ इन सब चीजों को देखेंगे। तो ये जो चीजें आप जो समझने वाली चीजें वो और जल्दी समझ में आएंगी। तो खैर, यहां से मानसरोवर लेक से ये निकलती है और पूरा ऊपर ऊपर से ही निकल करके और फाइनली नीचे आ जाती है, राइट।
सो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड ले, ये और किसी भी इंडियन स्टेट को टच नहीं करती है, ठीक है। तो इस तरीके से जाकर के और नीचे की तरफ फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान में जाकर के अरेबियन सी में कराची के पास ये ड्रेन हो जाती है। सो फर्स्ट रिवर क्या है हमारे पास, इंदस, राइट। इंदस रिवर जो है उसकी ऑलमोस्ट 1/3 लेंथ जो है दैट इज इनसाइड इंडिया, बाकी की जो 2/3 है उसमें से ऑलमोस्ट 80% पाकिस्तान के अंदर है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और रेस्ट ऑफ द पार्ट इज विथ चाइना और तिब्बत, राइट। सो इस तरीके से ये ऐसी रिवर है जो कि तीन अलग अलग देशों से होकर के फ्लो करती है, सो चाइना, देन इंडिया एंड देन पाकिस्तान, इंक्लूडिंग द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर विच इज अल्टीमेटली द पार्ट ऑफ आर कंट्री इंडिया, राइट। सो इस तरीके से तीन अलग अलग देशों से ये होकर के बहती है इंदस रिवर, ठीक है। इंदस के, इंदस की खास बात की, मतलब इंदस रिवर से जुड़ी हुई एक खास बात ये भी है कि वी हैव द इंदस वाटर ट्रीटी। अगर आपने इसके बारे में सुना हो, अगर आपने इंदस वाटर ट्रीटी के बारे में सुना हो, इंदस वाटर ट्रीटी, व्हाट इज इंदस वाटर ट्रीटी, कितने लोगों को आइडिया है, किसी को अगर आइडिया हो तो विद इन 10 सेकेंड जल्दी से चैट के अंदर एक बार रिप्लाई कर दो, अदरवाइज आई विल टेल यू व्हाट इज इंदस वाटर ट्रीटी। इंदस वाटर ट्रीटी क्या है एक बार जल्दी से बता दो, अगर आप लोगों को आइडिया है, नहीं है आइडिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स किया यहाँ पे। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, H2O डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन इंडिया एंड पाक, हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और अगर आप लाइट थ्रो कर सके तो, इफ यू नो अबाउट द सेम, ठीक है चलो। तो वी विल टॉक अबाउट दिस इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। अच्छा, उससे पहले जो इंदस है उसका एक और नाम है, वो है सिंगी खम्बन, राइट। सो अनदर नेम फॉर इंदस इज सिंगी खम्बन, खम्बन, राइट, विच मीन्स लायंस माउथ। सिंगी मतलब सिंग एंड खम्बन मतलब माउथ, सो इट मीन्स लायंस माउथ, राइट। सो ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है, पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में कि ये नाम किस रिवर से रिलेटेड है, या किस रिवर को बोला जाता है, या किस रिवर से एसोसिएटेड है, राइट। तो ये इंदस के साथ एसोसिएटेड है, सिंगी खम्बन, जो कि इसको तिब्बत में बोला जाता है जहां पे ये ओरिजिनेट होती है, राइट। नाउ गेटिंग बैक टू द ट्रीटी, इंदस वाटर ट्रीटी क्या है, बेसिकली क्या है कि जब भी कोई इंटरनेशनल रिवर होती है तो उस रिवर का अधिकार, कोई भी वाटर सोर्स हो अगर वो इंटरनेशनल है, प्रोमिनेंटली रिवर की भी हम बात करेंगे, तो रिवर का अधिकार किसी एक देश के पास नहीं होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे इंदस की बात करें तो तीन देश इन्वॉल्व है, कौन कौन से, चाइना। तो ये थी कहानी, मतलब इंदस वाटर ट्रीटी में किस तरीके से हमने वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किया। चलो, इसमें से इसी ट्रीटी के अनुसार 20 रावी और सतलज, ये तीन ऐसी रिवर्स थी जो कि इंडिया के कंट्रोल में रहेंगी। कौन कौन सी तीन रिवर्स, 20 रावी एंड सतलज, ये इंडिया के कंट्रोल में रहेंगी, और इंदस, झेलम और चेनाब, ये तीन रिवर्स पाकिस्तान के कंट्रोल में रहेंगी। जो ओवरऑल वाटर का परसेंटेज है वो 80 से स्लाइटली ज्यादा है, 80.5% के आसपास है जो पाकिस्तान के पास रहेगा, और 20 से थोड़ा सा कम, 19.5 के आसपास है जो कि इंडिया के पास रहेगा। तो कुछ इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इंदस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने रिवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया कि किसके पास अधिकार रहेगा कौन सी रिवर का, और कितना वाटर इंदस रिवर का इंडिया में रहेगा, कितना वाटर इंदस रिवर का इंडिया से बाहर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक परमानेंट इंदस कमीशन बनाया गया, देयर वाज अ परमानेंट इंदस कमीशन, ठीक है। कई लोग सोचते हैं, इनफैक्ट मैं भी पहले सोचा करता था जब मैं छोटा था, जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती थी, तो मुझे लगता था कि यार इंदस रिवर का पानी हम बंद क्यों नहीं कर देते, जब इंडिया के जवानों को पाकिस्तान मार रहा होता है या फिर आतंकवादी हमले कर रहा होता है, तो उस टाइम पे हम इंडिया का जो पानी है, जो इतनी सारी रिवर्स हमारे पास, 6 रिवर्स है जो यहां से होकर के जाती है, तो उनका हम पानी क्यों नहीं रोक देते। तो हम इसलिए नहीं रोक पाते क्योंकि हम एक ट्रीटी के तहत बंधे हुए हैं, उस ट्रीटी के अनुसार हम पानी को नहीं रोक सकते हैं, एंड वी हैव टू सप्लाई द वाटर टू पाकिस्तान, राइट। सो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए एक बार, देन वी विल मूव अहेड। अच्छा, ये ट्रीटी हुई थी 19 सितंबर
दिस वॉज डन ऑन 19th of September. हालांकि डेट पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन जीरो नहीं है, कभी भी पूछी जा सकती है. यूपीएससी कई बार ऐसे सवाल पूछ लेता है, ठीक है, या कई अलग अलग एग्जाम्स में पूछ लेते हैं. तो 19th of September वॉज द डेट. चलो, सो पहली रिवर हमारी हो गई इंडस रिवर, राइट. सेकेंड जो रिवर है इंडस रिवर सिस्टम की, ऊपर से नीचे हम लोग देखते हैं. पहले हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, सबसे ऊपर जो रिवर है, जो नॉर्दर्न मोस्ट रिवर है, ये सवाल कई बार पूछा जाता है, ठीक है. तो हम एक बार जब इस टॉपिक को खत्म करेंगे तब भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा. एक बार मैं पहले बता देता हूँ, सबसे ऊपर जो रिवर है दैट इज इंडस, राइट. सबसे टॉप में जो रिवर है, सबसे नॉर्थ में जो रिवर है वो है इंडस, ठीक है. सबसे ऊपर रिवर है इंडस. इंडस के बाद नेक्स्ट जो रिवर है दैट इज झेलम, ठीक है. इंडस के बाद नेक्स्ट रिवर है झेलम. झेलम के बाद नेक्स्ट रिवर है चेनाब, ठीक है. चेनाब के बाद नेक्स्ट रिवर है बीस, उसके बाद है रावी, और उसके बाद है सतलज. कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ, ये रिवर्स आती है, ठीक है. इंदस, झेलम, चेनाब, बीस, रावी एंड सतलज, ठीक है. इनफैक्ट रावी, बीस एंड सतलज, ठीक है. ये ऊपर होगी, यहाँ पे रावी हो जाएगी, रावी, बीस एंड सतलज. तो इस तरीके से ये तीन रिवर्स है, नीचे की तीन रिवर्स है ये इंडिया के कंट्रोल में है, और ऊपर की जो तीन रिवर्स हैं ये पाकिस्तान के कंट्रोल में, ठीक है. तो ये नॉर्थ टू साउथ इनका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अरेंजमेंट है. ये सवाल एकदम 100% फेवरेट सवाल है यूपीएससी का या फिर सीडीएस का. ऐसा सवाल आने के 100% चांस है, नहीं आए अलग बात है, लेकिन ऐसा सवाल हमेशा पूछा जाता है कि इन छह रिवर्स को या चार रिवर्स को या तीन रिवर्स को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए, साउथ टू नॉर्थ अरेंज करिए. तो ये सवाल आपको आना चाहिए. सबसे ऊपर है इंदस, देन झेलम, चेनाब, रावी, बीस एंड सतलज, राइट. तो ये हो गया ओरिजिन मानसरोवर लेक तिब्बत, ठीक है. फिर उसके बाद माउथ है अरेबियन सी में, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान तीनों जगह पे होती है. 2900 किलोमीटर प्लस इसकी लेंथ है, जिसमें से 900 समथिंग है इंडिया में, रेस्ट ऑफ द लेंथ है पाकिस्तान और वहां पे तिब्बत या फिर चाइना के अंदर, राइट. चलिए, इंदस के बाद नेक्स्ट जो रिवर है दैट इज झेलम. अच्छा, इंदस रिवर का इंडिया में बहुत बड़ा ऐसा कोई वो नहीं है, रोल नहीं है, वो ऊपर ऊपर से जाकर के निकल जाती है लेह और फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और फिर सीधे पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है, राइट. फिर सेकेंड जो रिवर है वो है झेलम. सेकेंड रिवर है झेलम. झेलम का अगर आप देखेंगे कि ऑरिजिन कहाँ से होता है, तो झेलम का ऑरिजिन होता है वेरीनाग. It originates in Verinag. Verinag is basically a place in Anantnag district of Jammu and Kashmir state. Jammu and Kashmir Union Territory, right? So it is in the Anantnag district of Jammu and Kashmir Union Territory. Origin है यहाँ पे झेलम का. और झेलम का जो सूर्यास्त होता है, या फिर ये कहें कि झेलम का जो एंड होता है, यानी कि उसका जो माउथ है वो कहाँ पे है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है इंदस रिवर की वो कौन सी है, मैंने अभी आपको बताया था चेनाब. तो झेलम रिवर फाइनली जाके कहाँ मिल जाती है, झेलम रिवर कहाँ मिलती है, चेनाब के अंदर, राइट. सो इसका ओरिजिन है वेरीनाग में, जो कि अनंतनाग में है. माउथ है चेनाब में, जो कि किससे मिलती है, फाइनली इंदस रिवर से मिलती है, राइट. कहाँ मिलती है, इंदस रिवर से मिलती है. ये इंदस रिवर से मिलती है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो झेलम है वो हमारे यहाँ पे ही मिल जाती है, राइट. सो दिस इज हाउ इट गोज. देन अगर हम इसकी बात करें तो इसके किनारे पे श्रीनगर और वुलर लेक, ये दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि यहाँ पे वुलर लेक को फीड करती है झेलम रिवर. श्रीनगर इसके किनारे पे बसा हुआ है. अगर आपने हैदर मूवी देखी हो, या हैदर मूवी छोड़ दो, आपको शुरू से बचपन से ही आपने देखा होगा, जब भी श्रीनगर की बात होती है तो हमारी जो झेलम रिवर है वो बीच में आती है, क्योंकि झेलम श्रीनगर को ड्रेन करती है. श्रीनगर शहर झेलम रिवर के बैंक्स में स्थित है, राइट. सो दिस इज द सेकेंड रिवर विच इज झेलम, ठीक है, क्लियर है. अंजलि, वाई इज दिस सो, ऐसा इसलिए है, एक सेकेंड, किसी ने सवाल पूछा है. अच्छा अच्छा अच्छा, यू वर नॉट ऑडिबल. चलो ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ.
इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली 1960 में हुई, जब इंडिया पाकिस्तान पहले क्या था, पहले तो दोनों अलग अलग थे, इंडिया आजाद हो गया, पाकिस्तान भी अपना अलग देश बन गया। तो अब इंडस जो कि एक मेन रिवर है, मेजर रिवर है, सबसे लंबी रिवर है, तो उस रिवर को लेकर के उसका पानी कितना कौन खर्च करेगा, इसको लेकर के 1960 में एक ट्रीटी हुई जिसमें इंटरनेशनल बॉडीज भी का भी रोल था, राइट। उस ट्रीटी के अनुसार इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू जी जो कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान की तरफ से जनरल आयूब खान जो कि वहां के राष्ट्रपति थे, उन दोनों ने मिलकर के एक 19 सितंबर 1960 को एक ट्रीटी साइन की जिसके तहत टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर का 80% पाकिस्तान रखेगा और 19% इंडिया रखेगा। एक तो ये ट्रीटी में था, दूसरा ट्रीटी के अनुसार ये था कि तीन रिवर्स 20 रावी और सतलज इनका कंट्रोल इंडिया के पास रहेगा, इंडिया इनमें कुछ भी कर सकता है, और तीन रिवर्स चेनाब झेलम और इंदस इनका कंट्रोल रहेगा पाकिस्तान के पास, राइट, इनके वाटर का। दूसरा परमानेंट इंदस कमीशन बनाया गया। तीसरा आपका जो सवाल था लास्ट में, अंजलि ने मेरे ख्याल से पूछा था या फिर सोनल ने पूछा था, हाँ अंजलि ने पूछा था कि इंडिया को 20% ही क्यों मिलता है पानी, तो उसका 20% मिलने का रीजन यही है क्योंकि वो ट्रीटी ने ही 20% लिखा हुआ है। और ये जो ट्रीटी होती है ये कितनी लेंथ किस देश के अंदर है, कितना एरिया ड्रेन करता है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम एरिया जो इंडस रिवर अकेले ड्रेन करती है वो पाकिस्तान के अंदर करती है, बहुत ही थोड़ा सा एरिया इंडिया के अंदर, हार्डली फ्यू हंड्रेड किलोमीटर, और बाकी का एरिया तिब्बत के अंदर, तो आधे से ज्यादा एरिया अकेले पाकिस्तान के अंदर ड्रेन करती है, तो दैट इज वाई इट हैज गॉट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर विद पाकिस्तान। ठीक है, क्लियर है, चलो। तो ये है हमारा इंडस रिवर सिस्टम जिसमें हमने इंडस के बारे में बात की। मैं बाकी के जो रिवर्स हैं उनको हम लोग कल से डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा 5-10 मिनट बातचीत कर लेते हैं। कल से हम लोग मैप के थ्रू करेंगे प्रॉपरली, बहुत अच्छे से मैंने मैप्स को अरेंज किया, सब कुछ किया है, बस आज ड्यू टू सम टेक्निकल इशू मैप वाज नॉट, आई वाज नॉट एबल टू शो द मैप। तो वहां से आपको जो क्लैरिटी है ना, वो ये मान के चलो कि जितना अभी आपको समझ में आ रहा है उसका 10 गुना ज्यादा समझ में आएगा कल से, जब हम मैप से प्रॉपरली पूरे क्लास को देखेंगे। ठीक है, सो आज हमने क्या क्या देखा, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। हमने ये देखा कि इंडियन ड्रेनेज सिस्टम क्या है, किस तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ड्रेनेज सिस्टम ही क्या होता है, फिर ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, किस टाइप के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, डिस्कॉर्डेंट एंड कॉन्कॉर्डेंट के बारे में हम डिस्कशन किया, हिमालयन रिवर्स को हम टोटल इंडियन रिवर्स को हम हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स में डिवाइड करते हैं, हिमालयन रिवर्स को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया, इंदस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया, पेनिनसुलर रिवर जो कि नीचे वाली रिवर्स है उनको अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, फिर ऊपर की रिवर्स यानी हिमालयन रिवर्स में से भी हमने इंदस रिवर को देखा। इंदस रिवर सिस्टम में जो सेंट्रल रिवर है वो कौन से है, इंदस, उसके साथ 5 मेजर और रिवर्स हैं, चेनाब, सतलज, रावी, बीस, झेलम, और इसके अलावा भी रिवर्स हैं, इसके अलावा भी रिवर्स है, करगिल है, द्रास है, श्योक है, बहुत सारी ऐसे रिवर है। ठीक है, तो उन सभी रिवर्स को मिलाकर के ये पूरा रिवर सिस्टम बनता है। फिर इंदस रिवर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंदस है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ माउथ है, इंदस वाटर ट्रीटी के बारे में हमने देखा, और इससे आगे की कहानी हम लोग कल से देखेंगे, राइट, क्लियर है। तो चलिए ठीक है, यहां तक आज हमने क्लियर किया, मतलब पढ़ाई की, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। कोई भी ऐसा पोर्शन, अंजलि, अंकुश, सोनल, हिमानी, एनीवन, कोई भी ऐसा पोर्शन हो जो आप लोगों को दोबारा बताना हो, कोई भी ऐसा पोर्शन जिसको मैं फिर से समझा सकूं, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। और कल से जो क्लास है वो नेक्स्ट लेवल की होने वाली है, क्योंकि आई डोंट नो हाउ इट डिड नॉट वर्क, बट आई वाज रेडी विथ एवरीथिंग। मैप से जो ये ज्योग्राफी को मैप से पढ़ने का मतलब जो मजा है वो एकदम अद्भुत है। अगर आपके आपकी दोस्ती मैप के साथ है तो समझ लो कि ज्योग्राफी आपके लिए एकदम केक वॉक हो जाएगा, इतना मजा आएगा ज्योग्राफी पढ़ने में। और अभी मैं इस चीज को साबित करके दिखाऊंगा जब हम मैप्स के थ्रू सारी चीजों को देखेंगे, चाहे वो ड्रेनेज हो, चाहे वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात हो, चाहे वो फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात हो, चाहे वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात हो, हम सब कुछ मैप से देखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। ऐसी एक भी क्लास आपको नहीं मिलेगी ज्योग्राफी में जहां पे हम मैप का इस्तेमाल डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना करें, राइट। तो कल से प्रॉपरली हम मैप से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए, यहां तक सबको क्लियर है, कोई भी टॉपिक जिसको मैं दोबारा समझा सकूं आप लोगों को? ओके, ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन देखो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी
जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक रिवर है, लेट से कि यहाँ पे एक रिवर है, ये रिवर जा रही है, ठीक है, ये रिवर है। तो हमारे दिमाग में नॉर्मली क्या रहता है कि अगर ये गंगा रिवर है, इस विड्थ से ऐसे फ्लो करके जा रही है, तो ये गंगा रिवर सिर्फ इतनी ही है, इसी को हम गंगा बोलते हैं। तो एक्चुअल में गंगा रिवर तो यही है, लेकिन उसका जो बेसिन है ना, वो इसके आसपास कई किलोमीटर तक फैला हुआ होता है, कई बार कुछ 10-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो कई बार कुछ 100 किलोमीटर तक भी ये फैला हुआ होता है, ठीक है। अब ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या हुआ? एक एक भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो कि जहां जहां का पानी अल्टीमेटली आके गंगा रिवर में मिल रहा है, उस वो सारा इलाका गंगा रिवर का बेसिन का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था क्लास की शुरुआत में, यहां पे एक खेत है, ठीक है। तो अभी अगर आप लोग कंट्री साइड को आपने विजिट किया हो, अगर आपने गांव देखा हो, कस्बा देखा हो, और डेफिनेटली आई गेस कि आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, तो कोई अगर खेत है, बड़ा छोटा कैसा भी हो, तो जब बारिश का मौसम होता है, तो खेत से क्या होता है कि किसी एक साइड में ढलान होता है, ठीक है, मतलब पानी के निकलने की जगह होती है, या तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, कहीं ना कहीं पानी जाता है। लेट से कि पानी यहां से ऐसे जा रहा है, इधर की तरफ पानी आ रहा, तो इन चारों खेतों से पानी ऐसे ऐसे करके आया, तो ऐसे चार नहीं 4,000 खेत हो गए, तो सारे खेतों का पानी आते 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 किसी एक नाले में आएगा, ठीक है, इन सभी का पानी एक नाले में आएगा, इस नाले में घुस जाएगा पानी, राइट। फिर ये नाला आगे आकर के एक एक रिवर को ज्वाइन कर लेगा, ये छोटी रिवर है, बहुत छोटी सी रिवर है, ठीक है, तो इस नाले का पानी इस रिवर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये रिवर आगे जाकर के और गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेगी, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इस खेत का पानी भी इनडायरेक्टली गंगा रिवर के अंदर आ गया, तो ये पूरा का पूरा इलाका इसके बेसिन में काउंट होगा। दिस इज गंगा रिवर बेसिन, या फिर किसी एक पर्टिकुलर रिवर का ये बेसिन हुआ, जहां तक उसके पानी का प्रभाव है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जरूरी नहीं कि गंगा जल ही वहां तक जाए, गंगा जल वहां तक जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसके ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज सबका मिलाकर के जो एक एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं उस रिवर का बेसिन, ठीक है। तो इसका कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती, जैसे स्टेट बाउंड्रीज या फिर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज या फिर आप कह सकते हैं कि कंट्री की बाउंड्रीज होती है, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती है, बस एक इलाका होता है कि हाँ यहाँ वाला जो इलाका है ये गंगा का इलाका है, गंगा का तटीय क्षेत्र है, तो उसको हम बोलते हैं बेसिन। आई होप आई एम क्लियर विद द मैसेज। सोनल, आर दे इट्स ट्रिब्यूटरीज? हाँ, दे माइट बी देयर ट्रिब्यूटरीज, दे माइट बी देयर डिस्ट्रीब्यूटरीज, राइट। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ेंगे कि ट्रिब्यूटरी क्या होती है और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, तो वो ट्रिब्यूटरीज भी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज भी हो सकती है, ठीक है। आपको जो नोट्स वगैरह मिलेंगे वो प्रॉपर मैप के साथ ही मिलेंगे, ठीक है, प्रॉपर मैप वाले नोट्स ही मिलेंगे, तो जिसको आप एक बार पढ़ोगे, एक बार रेफर करोगे, अभी से लेकर के सीडीएस एग्जाम तक कभी नहीं भूलने वाला है, कभी भी नहीं भूलने वाला है। अच्छा, कुछ चीजें, क्योंकि अभी हम यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आई वुड लाइक, शुरुआत से ही मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको फॉलो करना है या नहीं करना है, इट इज योर डिसीजन, बट मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, और ऐसी छोटी छोटे स्टेप्स मिल करके ही आपका सिलेक्शन कराएंगे। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि छोटी छोटी जो चीजें आप हर दिन अपनी लाइफ में करेंगे, जो 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 अपने आपके लिए आप हर दिन इनपुट देंगे, वही आपका सिलेक्शन कराएगा, ना कि लास्ट की 10 दिन की पढ़ाई, 5 दिन की पढ़ाई, 7 दिन की पढ़ाई, वो आपका सिलेक्शन बाई चांस किसी बार करा सकती है, लेकिन अगर आपको श्योर होना है कि मुझे 100% सेलेक्ट होना है रिटन एग्जाम में, तो आज से मेहनत करना शुरू कर दीजिए और छोटे छोटे एफर्ट्स की वैल्यू करना शुरू कर दीजिए, राइट। पर्सनली मैं एक चीज चाहूंगा कि आप लोग जहां कहीं भी पढ़ाई करते हैं, जिस रूम में पढ़ाई करते हैं, हॉल में पढ़ाई करते हैं, बेड में पढ़ाई करते हैं, जहां कहीं भी करते हैं, टैबलेट के थ्रू करते हैं, जैसे भी करते हैं, लैपटॉप के थ्रू करते हैं, मैप्स को अपने पास रखिए। किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगा, मैं अपना बेसिकली स्टडी रूम दिखाऊंगा, जहां पे मैं बैठ करके पढ़ता हूँ और पढ़ाता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ वहां पे। वो रूम पूरा मैप से भरा हुआ है, एटलीस्ट आप लोगों के पास एक इंडिया का मैप, राइट, एक वर्ल्ड का मैप, और एक आपके स्टेट का मैप, और अगर पॉसिबल हो तो आपके सिटी का मैप या डिस्ट्रिक्ट का मैप। ये चारों मैप्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है, 100% होने चाहिए। नहीं है जिसके पास तो कल लाओ, परसों लाओ, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद लाओ, लेकिन गेट डन विद दिस थिंग इफ यू वॉन्ट टू गेट क्वालिफाइड इन सीडीएसई और एफकेट और एनडीए एग्जाम सीरियसली। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ और मैं प्रूफ कर दूंगा विद इक्वेशन, प्रूफ कर दूंगा कि जिस बच्चे के कमरे में ये चारों मैप्स होंगे और जिसके पास नहीं होंगे, मैप वाला जो बच्चा होगा वो आगे निकल जाएगा, आज नहीं तो कल उसको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। मैं बैठा रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं कोई मुझे हर एक चीज सब कुछ तो
मालूम है नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी भी जो मैं हर दिन सीखता हूँ, एवरी डे मैं आई कीप ऑन लर्निंग, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं देखता रहता हूँ, देखता अचानक से मुझे क्लिक होता है कि यार यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अफ्रीका में सबसे नीचे जो सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहां पे साउथ अफ्रीका है, उसके आसपास जिम्बाब्वे भी है, कौन सी कंट्रीज है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गुजरती है, इक्वेटर गुजरती है, ठीक है, इंडिया इक्वेटर से कितना ऊपर है, इंडोनेशिया अंडमान निकोबार से कितना किस डायरेक्शन में है। तो ये सारी चीजें बिना मैप के और बिना रिगरस प्रैक्टिस ऑफ मैप के आपको नहीं आएगी। तो टिप ऑफ द डे आज के लिए आपके लिए यही है, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर क्लास, कि आपको मैप को अपना दोस्त बनाना है, ठीक है, और बिना मैप के पढ़ाई नहीं करनी है, मैप के साथ ही पढ़ाई करनी है, स्पेशली ज्योग्राफी, ताकि आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाए, एफर्ट आपका मिनिमाइज हो जाए, ठीक है, क्लियर। चलो, द क्लास वॉज अमेजिंग, थैंक यू सो मच। और मैं आपको बता देता हूँ हम लोग कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि मिक्स हमारा चलेगा, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हम सबको पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक शुरुआत में हम ज्योग्राफी लेंगे, फिर हम वी विल शिफ्ट टू इधर साइंस और जनरल साइंस और सिविक्स, देन इकोनॉमिक्स, देन पॉलिटिक्स, देन यू नो हिस्ट्री, देन मिसलेनियस। तो ऐसे करके हम मिक्स करके चलते रहेंगे, लेकिन शुरुआत में मैं कोशिश करूंगा कि तीन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सिविक्स, ज्योग्राफी और जनरल साइंस, ये मैं आपके कंप्लीट करा दूं, क्योंकि शुरू के एक से डेढ़ महीने में अगर हमने ये कंप्लीट कर लिया तो आपका 60 से 70 क्वेश्चंस का जुगाड़ हो गया, 60 से 70 क्वेश्चंस का जुगाड़ हो गया। और अगर आप ईमानदारी से मेरी क्लास में पढ़ोगे तो ये मान के चलो, ये लास्ट टाइम का रिकॉर्ड भी है कि लास्ट टाइम हमने सिर्फ ज्योग्राफी और सिविक्स पढ़ा था, और आउट ऑफ ज्योग्राफी एंड सिविक्स ओनली एंड फ्यू पोर्शन ऑफ जनरल यू नो दिस थिंग करंट अफेयर्स, मोर देन 40 क्वेश्चन हुए थे। मतलब मैंने 55 क्वेश्चन के आसपास का सिलेबस कवर किया था और उसमें से 40 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे सीरियसली, राइट। तो शुरू के ये जो तीन टॉपिक्स हैं इनमें से 70 क्वेश्चन का सिलेबस कवर करूंगा, और उसमें से ये मान के चलो आपकी 55 से 60 क्वेश्चन और मोर देन दैट आने के 100% गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी। इफ यू लर्न दीज थ्री सब्जेक्ट्स इन द वेरी इनिशियल फेज, शुरू के एक से डेढ़ महीने में, तो 55-60 क्वेश्चन का आपका जुगाड़ हो गया। अब आपकी मेहनत, आपकी हार्डवर्क और आपकी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस 60 क्वेश्चन में से कितने नंबर ला पाते हो, ठीक है। हाँ, कल की क्लास विल बी 2-2-2-2 मच बुक, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है क्योंकि हम मैप से पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए यही बस इतना ही है, जितना हमने पढ़ लिया इसको एक बार रिवाइज कर लेना, रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको मिल जाएगी जब क्लास एंड हो जाएगी, मतलब सारा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, यानी कि ये ड्रेनेज सिस्टम का चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। और इस चीज को बिल्कुल ध्यान देना, जिसके पास मैप नहीं है आज से ही इंडिया, वर्ल्ड, स्टेट और सिटी का मैप अपने आसपास कहीं सर के ऊपर, दीवार में, सीलिंग में, जहां मर्जी हो वहां लगा लो, लेकिन 100% लगा लो। आई कैन गारंटी कि आपकी मेहनत 15 से 20% कम हो जाएगी, ठीक है। एक ऐसा बच्चा जो मैप लगा करके पढ़ेगा और एक ऐसा बच्चा जो बिना मैप के पढ़ेगा, इस वाले की मेहनत थोड़ी सी कम हो जाएगी और बहुत मजा आएगा जब आप चीजों को समझोगे मैप के थ्रू, राइट। So I hope this is it for the day. So thank you so much. Bye bye. Good evening. Jai Hind. Milte hain kal Indus River system ke baaki rivers ko padhenge aur fir hum shuruaat karenge Ganga River system jo ki hamare desh ka sabse bada river system. So thank you so much. Jai Hind.